कल ग्राम धर्म सिंह खेड़ा पोस्ट गुरबकसगंज में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया था। हम आपको बता दें कि जेडी सिंह के निज आवास पर ही राम कृष्ण मंदिर की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से 4 मई को कलश यात्रा निकाली गई थी, वहीं शोभा यात्रा 5 मई को निकाली गई थी। साथ ही मूर्ति स्थापना एवं भंडारे का आयोजन कल यानी कि 6 मई को करा गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण पहुंचकर इसके साक्षी बने व प्रसाद ग्रहण किया। हम आपको बता दें, यह कार्यक्रम धर्म सिंह खेड़ा में किया गया था, जहां पर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण भी उपस्थित रहे। जेडी सिंह के निज आवास पर यह भव्य मंदिर की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा हुई है। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रमुख रूप से समर बहादुर सिंह, शिव प्रताप सिंह, शिव कष्ठा सिंह, पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह, प्रवीण सिंह चौहान, शिवराम सिंह, चुनमुन सिंह सहित भारी संख्या में लोग वहां पे मौजूद थे। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। मेरा नाम जेडी सिंह है, धर्म सिंह खेड़ा निवासी हूँ। मेरा पूरा बिजनेस जो है पंजाब में था, अब बीते कुछ वर्षों से यहाँ भी रहने लगा हूँ। एक बेटा मेरा कनाडा में सिटीजन है, तो बड़ा बेटा जलंधर में है, काम देखता था। हमको इस मंदिर की प्रेरणा पहले हमारे बाबा जी ने बनवाया था जी, शिव जी का छोटा सा मंदिर था इसी में, जो एक साइड में आप देखते हैं। दूसरा फिर हमारी वाइफ जो हैं वो कृष्ण जी की बड़ी है, राधा कृष्ण जी की, उन्होंने कहा कि एक मंदिर बगल में ही और बनवा दो, जगह है अपने पास की बड़ी, उन्हीं की प्रेरणा से मंदिर तैयार। 2-2.5 साल लगे इसको। ये पूजा हमारी 4 तारीख से शुरू हुई, 4 को पहले कलश यात्रा थी जो भव्य निकली, यहाँ से जल भरने गए थे, गंगा जी से जल आया, काफ़ी औरतें गई थी करीब 2-2.5 सौ। उसके बाद कल जो था वो बारात निकली है, बाकायदे शोभा यात्रा, बारात तो नहीं कहते हैं क्योंकि राधा कृष्ण जी का तो विवाह हुआ नहीं, शोभा यात्रा निकली है ताला और गौरा पार्वती मंदिर से गाँव और उन्हीं होते हुए वापस आई, जिसमें करीब करीब 1,000-1,500 आदमी शामिल हुए। आज भंडारा चल रहा है, भंडारा 1 बजे शुरू हो गया, अनुरत चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं कृपा सब चल रहा है।